नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है दोस्तों, सर्दी के मौसम में आपको बार्ड्स को कौन सा तरह से खाना देना चाहिए और क्या मेडिसिन देना चाहिए, ठीक है। सर्दी के मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करेंगे, सर्दी में आप लोगों को किस तरह से मेडिसिन उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अपने आप लोग जो हमारे कॉलोनी में नीचे देख रहे हैं, पूरी की पूरी सब छोटा चिक्स है, ठीक है। और इस चिक्स को मैं रात में किस तरह से रखता हूँ और कैसे रखता हूँ, इसीलिए उसका भी मैं वीडियो आप लोग अभी देखेंगे। तो पहले आप लोग देख सकते हैं हमारे नीचे जो छोटा छोटा बहुत चिक्स है, तो मैं क्या करता क्या हो, सब छोटा चिक्स को मैं रात में इसके अंदर लाता हूँ, ठीक है। अभी जो नीचे आप देख रहे हैं एक नेट देकर गोल करके मैं बना लिया है, उसके अंदर पूरी की पूरी छोटा छोटा जो चिक्स नीचे रहता है, जो अभी जो नीचे आप लोग देख रहे हैं इसका जो वो ठंड है नीचे, तो इसीलिए सबको मैंने एक साथ रख कर उसको मैंने वो जो थाल आप लोग देख रहे हैं थाल से मैं उन लोगों को ढक देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और ठंडे के लिए और भी एक काम करता हूँ, मैंने जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं इसमें एक लाइट भी है, उसका भी मैंने दे दिया है, जो सब पूरा कॉलोनी की कॉलोनी गर्म रहता है, ठीक है। और अभी हमारे यहाँ पर हो गया क्या है दोस्तों, अभी ठंडा का बहुत ठंडा ठंडा मौसम चल रहा है, इस सर्दी में तो बार्स मर भी सकते हैं दोस्तों। हमारे इधर भी कुछ दिन पहले कॉलोनी पे एक मादी भी मर गया और चार अंडा लेके, तो और भी देख आप देखते हैं इधर पर एक चिक्सा भी छोटा चिक्सा भी वो एक्सपायर हो चुकी है। तो कल भी मैंने एक इसी तरह से छोटा चिक्स को मैंने ऐसे एक्सपायर हो चुकी है, तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि इस बात को किस तरह से मैं रखता हूँ, कौन सा मेडिसिन में सर्दी के मौसम में उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो अभी और एक बात है, आप देख सकते हैं हमारी जो पूरा की पूरा कॉलोनी मैंने पोलिथीन से ढक दिया है, तो अभी ठंडा का हवा नहीं अंदर आ सकता है, तो इसलिए हमारी कॉलोनी अभी सही है। तो इसके लिए भी मेडिसिन कौन सा देना चाहिए उसका भी मैं आप लोगों से बात करेंगे सर्दी के मौसम में, ठीक है। तो इससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों का थोड़ा जो हमारी कॉलोनी का जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सर्दी के मौसम में दोस्तों कॉलोनी के जो प्रोग्रेस चल रहा है वो बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक है। बहुत अंडा दे रहे हैं, अंडा नहीं फूट रहे, और बच्चा भी चिक्स होती है उनको एक्सपायर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना ठंडा भी ये मौसम है, तो मैंने इसे ठंडे के मौसम के लिए मैं उन लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को मैं अभी शेयर करता हूँ क्या क्या मैं उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो उससे पहले मैंने अभी कॉलोनी का जो प्रोग्रेस चल रहा है, चलिए दोस्तों थोड़ा प्रोग्रेस में अभी देखती है। तो अभी इसी मटके से मैं स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो इसी मट्टी में अभी अंडा वगैरह कुछ नहीं है, तो मादी बेच चुकी है, तो अंडा कुछ दिन के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद अभी इस मटकी में देखता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं है। तो अभी इसमें देखता हूँ दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं एक चीज से और सुबह में एक चीज एक्सपायर हो चुकी है, उसको मैंने फेंक दिया है। जो ठंडा का मौसम चल रहा है वो भी सही है, कह रहे हो पता नहीं चल रहा, वो भी एक्सपायर हो गया क्या। हाँ वो लगता है अभी तक सही है, लेकिन इसका एक चिक्स मैंने एक्सपायर हो चुकी है, अभी मैंने नीचे उसको फेंक दिया है, उधर देख सकते आपको। तो चलिए उसके बाद और वो मटकी में चेक करता हूँ, अभी प्रोग्रेस बहुत ख़राब चल रहा है ठंडे के मौसम में, इसमें भी दोस्तों कुछ नहीं है। इसमें भी अभी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें मादी बैठ चुकी है, शायद अंडा दे देगा, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें दोस्तों मादी अंडा लेके बैठ चुकी है, और एक चीज से वो भी बड़ा हो चुकी है, वो भी शायद बाहर आ जाएगा कुछ दिन के अंदर, ठीक है। तो उसको मैंने कुछ दिन के अंदर मैं बाहर कर देंगे, क्योंकि बहुत ठंडा का मौसम चल रहा है, इसलिए मैं बाहर नहीं किया। इसमें दोस्तों दो चिक्स था, लेकिन एक चीज एक्सपायर हो चुके हैं कल, अभी एक चिक्स है, अभी वो रेड आई मादी है, एक चिक्स से अंदर से ये थोड़ा, हाँ अभी एक चिक्स से थोड़ा बड़ा हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इस मटकी में क्या चल रहा है, इस मटकी में शायद एक ही अंडा दे दिया, अभी अंडा नहीं दे रहे मादी ने, ठीक है।
उसके बाद दूसरी तरफ बहुत कोने में और एक मटकी है, देखिए दोस्तों इसमें क्या चल रहा है। अभी मध्यान लेके बैठ चुकी है, अभी बच्चा नहीं निकला है दोस्तों, अभी अंडा ही लेके बैठे बैठ चुके हैं उन लोगों, चार पांच अंडा है इसमें। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं इसका अंदर जो मैंने बल्ब दिया है, एक ही बल्ब से पूरा के पूरा कोने भी गर्म रहते हैं, फिर भी मैंने उन लोगों को रात में इसके अंदर रखता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से, कौन सा मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ, चलिए दोस्तों अभी मेडिसिन देखा था आप लोगों को कौन सा मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप लोग हमारे हाथ में देख सकते हैं वो टेट्रासाइक्लिन है दोस्तों। टेट्रासाइक्लिन ऐसा एक मेडिसिन है जो ठंडा की मौसम के लिए बहुत अच्छे है और लूज मोशन के लिए भी चलता है दोस्तों। तो टेट्रासाइक्लिन ऐसा एक मेडिसिन है जो ठंडा के मौसम में भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है दोस्तों। तो ठंडा लग जाएगा तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हमें इस ठंडे के मौसम में आप चार पाँच दिन टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकती है, वो भी सही है। लेकिन और एक दूसरा मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ। टेट्रासाइक्लिन नहीं मिलेगा तो आप लोग उन लोगों के लिए मेरिक्विन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरिक्विन करके एक दवाई आपको मिलेगा, वो भी बहुत सही है, और मेरिक्विन भी आप दे सकते हैं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और टेट्रासाइक्लिन भी आपको उन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टेट्रासाइक्लिन बहुत अच्छा मेडिसिन है, टेट्रासाइक्लिन आपको नहीं मिलेगा तो आपको मेरिक्विन मिल जाएगा। तो अभी इसका जो मेडिसिन है आपको वेटनरी की शॉप में दोस्तों मिल जाएगा, तो आप लोग टेट्रासाइक्लिन और नहीं तो मेरिक्विन यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों अच्छा मेडिसिन है। तो मैं तो अभी टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने बहुत दिन मैंने देखा है दो तीन परिंदे हमारे अभी ठंडा की तरह से मर चुकी है, एक्सपायर हो गया दोस्तों। तो उसके बाद मैंने टेट्रासाइक्लिन चार दिन यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो अभी देख रहा हूँ मैंने हमारे परिंदा पूरा ठीक है। तो अभी ठंडा हवा अंदर नहीं आ सकता है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसे ठंडा हवा अंदर नहीं आएगा। और इसके लिए मेडिसिन और टेट्रासाइक्लिन आप यूज़ करिए तो बहुत अच्छा मेडिसिन है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबका मोबाइल या कंप्यूटर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ भी ख़त्म करता हूँ, ठीक है।